नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ में वर्तमान समय में विवादों की स्थिति निर्मित हो रही है, जहां वर्तमान विद्यालय के व्यवस्थापक चंद्रभूषण पांडे, प्राचार्य राजेश कुमार मिश्रा, विभाग समन्वयक ज्ञानेंद्र तिवारी, जिला सचिव नीरज खरे के ऊपर विद्यालय के पूर्व के पदाधिकारी वर्तमान सदस्य संजय पांडे शिवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विभाग समन्वयक जिला सचिव के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्राचार्य व्यवस्थापक के गलत कार्यों का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। संजय पांडे एवं शिवेंद्र ने बताया कि प्रादेशिक संगठन मंत्री आनंद, प्रादेशिक सचिव नरेंद्र कोष्ठी से शिकायत की गई, किंतु आज तक शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। आरोप लगाया कि बिना कोषाध्यक्ष के राशि आहरित की गई। नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा प्राप्त राशि का खर्च बिना समिति को बताए खर्च किया जा रहा है। संसद एवं नागरिक छात्र अभिभावकों के द्वारा प्राप्त राशि का मनमानी खर्च किया जा रहा है। सत्र 2021-22 में सेवानिवृत्त आचार्य का वेतन निराकरण नहीं किया गया, जिससे विद्यालय को न्यायालयीन कार्य में अनावश्यक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं नवीन भवन निर्माण कार्य में मनमानी रूप से खर्च किया जा रहा है। साधारण बैठक पर जानकारी नहीं दी जा रही है। प्राचार्य के द्वारा पठन पाठन कार्य पर कोई रुचि न लेते हुए एक भी पीरियड नहीं पढ़ाते। साथ ही प्राचार्य आवास भत्ता विद्यालय से प्राप्त करते हैं, निवास चाक घाट में करते हैं। वहीं पुराने प्रशिक्षित शिक्षकों को स्थानांतरित कराकर नए शिक्षकों से पाठन कार्य कराया जा रहा है। और सरस्वती जिस मंदिर में मैं अध्यक्ष, व्यवस्थापक, कोषाध्यक्ष विभिन्न पदों के निर्वाहन किया हूँ, किंतु उस संस्था पर जो आरोप लग रहे हैं, तो नीति आयोग का पैसा आया था 12 लाख रुपए, जिसमें कंप्यूटर क्लासेज और कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा में वृद्धि के लिए उस पर प्राचार्य द्वारा मनमानी तौर पर पैसा खर्च किया जा रहा है और समिति के सदस्यों को पूर्ण रूप में अवगत नहीं कराया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा जो सामान क्रय किए जा रहे हैं, तो मनमानी तौर से सामान क्रय किए जा रहे हैं। समिति प्रबंध समिति की बैठक के बाद साधारण समिति से अनुमोदन नहीं कराया जा रहा है। और जो इसके व्यवस्थापक हैं वर्तमान समय पर चंद्रभूषण पांडे जी, जो वर्तमान सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और शिक्षक रहते हुए भी शासकीय काम के साथ साथ है विद्यालय में निरंतर उपस्थिति स्कूल में डालकर यहाँ काम करते हैं। जब से ये राजेश तिवारी जी यहाँ पदस्थ हुए हैं, प्राचार्य राजेश मिश्रा जी, इनके द्वारा समिति में विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। जो कोरोना कार्यकाल में छात्र और पूर्व छात्र और गणमान्य नागरिकों द्वारा राशि की गई थी, उसका हिसाब नहीं दिया गया, न लोगों को रसीद दी जा रही है। भवन निर्माण पर ये वर्ष में कभी बैठक नहीं करते। जो यहाँ अस्थाई शिक्षक थे उनका हस्तांतरण कर दिया गया और नए गैर प्रशिक्षित शिक्षकों को रखकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार जब से हम विद्यालय आए हैं नहीं हो रहा है। उसके पूर्व की जानकारी हमको नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। उसके पूर्व जो भी प्राचार्य और व्यवस्थापक या समिति के जो पदाधिकारी रहे हों, उन्होंने किस प्रकार से उसका निर्माण कार्य कराया है, उसकी जानकारी संबंधित लोग ही दे सकते हैं। वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है और जो भी हो रहा है नियम संगत हो रहा। भवन निर्माण का कार्य पूर्णतः समिति का है, समिति है उसकी देख रेख में अपने संपादित करती है और प्राचार्य का दायित्व सिर्फ विद्यालय की पठन पाठन व्यवस्था अपना है और जो दायित्व संद्यासों के बारे में। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। आप किस पद में हैं? प्राचार्य। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।